गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप घर पर बैठ के पढ़ रहे होंगे। तो आज है आपका टॉपिक लेसन 9 से रिलेटेड है, वी ऑल नीड वाटर। टॉपिक है आपका लेसन नंबर 9 का, ईवीएस सब्जेक्ट है आपका लेसन नंबर 9, वी ऑल नीड वाटर। बेटा हमने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि वी ऑल नीड वाटर, हम सबको पानी की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? अगर पानी नहीं है तो हमारा जीवन संभव नहीं है। खाना खाने के साथ, कपड़ा पहनने के साथ हमें पानी भी पीना ज़रूरी है। हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह के बिना रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। तो ये आज आपका चैप्टर था, ख़त्म हो चुका है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है बेटा। पेज नंबर आपका है, सब बच्चे अपने अपने पहले बुक्स खोल रहे हैं। पेज नंबर 50 पे सबसे नीचे दिया है ओरल क्वेश्चंस, आज हम उसको डिस्कस करेंगे, साथ साथ लिखेंगे, और आपको इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोगों ने अपना वर्क कंप्लीट करना है। तो ये था चैप्टर यूजेज ऑफ वाटर, मैं थोड़ा ब्रीफली बता रही हूँ। ह्यूमंस नीड वाटर फॉर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। मनुष्य को, जीव जंतुओं को भिन्न भिन्न तरीकों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कोई लोग ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, कुकिंग, क्लीनिंग फ्लोर्स, वाटरिंग प्लांट्स और पुटिंग आउट फायर, आग बुझाने के लिए भी किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पानी की। तो प्लांट्स नीड वाटर फॉर ग्रोथ एंड प्रिपेयरिंग देयर फूड, उन्हें भोजन पकाने के लिए भी क्या चाहिए? पानी चाहिए। एनिमल्स को पीने के लिए और नहाने के लिए भी पानी चाहिए। सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है बेटा? रेन, ओशियन, सीज, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, तो ये सारे के सारे पानी के स्रोत हैं। और ओशियन और सीज का पानी कैसा होता है? सॉल्टी, नमकीन। कहते हैं पानी को हम भिन्न भिन्न तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर तक पानी आने के लिए पहले उसे फिल्टर किया जाता है, साफ़ किया जाता है, और तब वो पाइपलाइन के थ्रू हमारा पानी घरों में आता है। कई बार जब पानी पृथ्वी के नीचे चला जाता है जहाँ मिट्टी होती है उसकी सहायता से, तो हम वेल्स, ट्यूबवेल्स और हैंडपम्प की सहायता से भी पानी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ब्रीफली बता रही बेटा थोड़ा सा। कहते हैं वी कैन ऑल्सो क्लीन वाटर एट होम बाय बॉयलिंग एंड यूजिंग इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफायर और यूजिंग वाटर फिल्टर। ये आपके सामने पिक्चर्स है बॉयलिंग से, इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर से, प्योरीफायर से और वाटर फिल्टर से पानी को शुद्ध किया जाता है, साफ़ किया जाता है। सेविंग वाटर, कहते हैं पानी को कैसे बचाना चाहिए और पानी क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि इसका लिमिटेड सोर्स ही रह गया है पृथ्वी पर, पानी बहुत कम मात्रा में है, इसलिए हमें पानी को बचा कर रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, कहते खाने को ढककर बनाना चाहिए, इससे पानी की जो मात्रा है वो उसमें चली जाती है और वो वेस्टेज कम होती है। वी शुड नॉट अलाउ द वाटर टैप टू रन, हमें पानी की जो नल होता है उसको खुला नहीं रखना चाहिए, ज़रूरत हो तो पानी चलाएं अदरवाइज बंद रखें। वी शुड रिपेयर द लीकिंग, जो अगर पानी कहीं लीक हो रहा है तो उस पाइपलाइन को भी ठीक करवाना चाहिए। वी शुड टेक ए बाथ यूजिंग ए बकेट, हमें शावर की जगह बकेट का यूज़ करना चाहिए, बाल्टी और मग का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे कुछ मेन मेन पॉइंट्स। कहते द सॉल्ट वी यूज इन आवर फूड कम्स फ्रॉम सीज एंड ओशंस वाटर। कहते जो नमक का प्रयोग होता है हम अपने खाने में करते हैं वो कहाँ से मिलता है हमें? समुद्र और महासागरों से। सीज होता है समुद्र और ओशन होते हैं महासागर। तो आज मैं आपको पेज नंबर 50 पे ईवीएस सेकंड क्लास पेज नंबर 50 के ओरल क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ, सब बच्चे ध्यान से लिखें। इसकी मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगी तब आगे आप काम कंप्लीट कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 50 के करवा रही हूँ, लिख रहे पेज नंबर 50 ओरल क्वेश्चंस, लेकिन आपको ओरल क्वेश्चंस को मुँह ज़ुबानी यानी कि हम बोल कर याद करते हैं, उसे रिटर्न में भी लिखना है आप लोगों ने। नंबर वन है क्वेश्चन, हाउ डू यू गेट वाटर इन योर हाउस। सब बच्चे पहले ये क्वेश्चन ध्यान से उतारें फिर इसका आंसर लिखवाते हैं हम। सब बच्चे ड्रॉ करें केयरफुली। Thank you.
हाउ डू यू गेट वाटर इन योर हाउस, कि आपको अपने घरों में पानी कैसे मिलता है? तो आंसर इज, सब बच्चों को दिखाई दे रहे हैं आंसर, लिखेंगे सब बच्चे इसका, थ्रू पाइपलाइंस, THROUGH, थ्रू होता है सहायता से ही, पाइपलाइन। सेकेंड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर वन था ये आपका, डू यू फिल्टर वाटर, डू यू फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट? क्या आप पानी को फिल्टर साफ करते हैं पीने से पहले? आंसर है यस। थर्ड क्वेश्चन इज, इन व्हाट डू यू स्टोर, इन व्हाट डू यू स्टोर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन योर हाउस, कहते इन व्हाट डू यू स्टोर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन योर हाउस, घर में आप पानी साफ पानी को कहाँ करते हैं इकट्ठा? वाटर फिल्टर। वाटर फिल्टर में भी होता है हमारा पानी, क्योंकि जब पानी को वाटर फिल्टर होता है तो उसके अंदर आरओ में हमारा पानी स्टोर रहता है। वाटर फिल्टर को क्या कहते हैं? आरओ। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, व्हाई शुड वी सेव वाटर, व्हाई शुड वी सेव वाटर, हमें पानी को क्यों बचाना चाहिए? बिकॉज वाटर ऑन द अर्थ, बिकॉज वाटर ऑन द अर्थ इज लिमिटेड, तो ये थे हमारे चार क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस हैं। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, सब बच्चों को राइटिंग समझ में आ रही है बेटा? ऑल स्टूडेंट्स राइट दीज क्वेश्चंस केयरफुली इन योर नोटबुक, पेपर्स में आपके लिए आएंगे, इम्पोर्टेंट है ये। वन वन मार्क्स के आ सकते हैं बेटा। सब बच्चे ध्यान से लिखिए, राइट केयरफुली। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे जल्दी से करें, डू फास्ट। सब बच्चे ध्यान से करें, लास्ट टाइम, लास्ट टाइम।
बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा, राइट केयरफुली। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। सब बच्चे ध्यान से लिखे हैं। सब बच्चे ध्यान से लिखे हैं, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। बट नेक्स्ट इज आवर आपको मैं आज क्वेश्चन लिखना सिखाती हूँ। टिक द करेक्ट ऑप्शन, जब एग्जाम्स में आपको ये टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए जाते हैं आपको समझ नहीं आता। मैथ्स में भी आपको ऐसे ही दिया था कुछ, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज टेक द करेक्ट ऑप्शन है आपका पेज नंबर 51 पे। द चीफ सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर इज, क्वेश्चन नंबर 1 है, टेक द करेक्ट। पहला है द चीफ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज। साफ पानी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है आपके रेन, सी और ओशन। जब अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड किया है तो आपको क्लियर हो जाएगा बेटा, मुख्य स्रोत साफ पानी का क्या है? रेन। आपने इस बॉक्स के बाहर टिक का निशान नहीं लगाना, वो आपका गलत हो जाएगा। डैश आर द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर, लार्जेस्ट बॉडीज ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, प्रेजेंट ऑन द अर्थ। आंसर है ऑप्शन लिखिए, सीज, रिवर्स, ओशियंस। तो लार्जेस्ट वाटर बॉडी क्या है हमारा? वेरी गुड, सीज है, रिवर्स है, ओशियन है। वेरी गुड, ओशियन है। तो आपने इस बॉक्स के बाहर लाइन को नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पॉइंट, वाटर कैन बी क्लीन बाय, पानी को किसकी सहायता से साफ किया जा सकता है? वॉशिंग, बॉइलिंग,
है आपका none of these. Water can be cleaned by, पानी को किसकी सहायता से साफ किया जा सकता है? Washing, boiling, none of these. इसकी सहायता से साफ किया जा सकता है? बॉइलिंग. क्या आएगा? बॉइलिंग. फोर्थ पॉइंट बेटा मैं यहाँ लिख देती हूँ, सब बच्चे ध्यान दें. फोर्थ पॉइंट ऊपर है, टू गेट अंडरग्राउंड वाटर, टू गेट अंडरग्राउंड वाटर वी डिग. हम क्या खोदते हैं? ऑप्शन है इसके वेल्स, बी लेक्स या पॉन्ड्स. सब बच्चे ध्यान से देखिए बेटा, जो ज़मीन के नीचे पानी है उसको अगर प्राप्त करना हो तो हम क्या खोदते हैं? कुएं खोदते हैं, लेक झीलें खोदते हैं या पॉन्ड्स तालाब खोदते हैं? तो आंसर इज वेल्स, कुएं बनाते हैं बेटा. अंदर गहराई तक जो पानी है वो कुएं की सहायता से हम निकाल सकते हैं, हैंड पंप होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन आपका वेल्स है तो वेल्स. ऑल स्टूडेंट्स राइट दीज क्वेश्चंस. आपको बेटा करने का तरीका बता रही हूँ मैं. तो ये थे आपके टिक द क्रैक. अब आपको असाइनमेंट और इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी. तो आज मैंने आपको एक तरीका बताया कि किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे से बेटा, टेक केयर, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड. चार क्वेश्चन है इसके, सब बच्चे ध्यान से उतारें. 2 मिनट से आपके पास. सब बच्चे ध्यान से करें. ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से करें. 2 मिनट से आपके पास. ओके स्टूडेंट, जल्दी करिए, डू फास्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने जो इसके आंसर्स हैं बॉक्स के अंदर लगाने, अगर बॉक्स के बाहर निशान जाता है तो वो आपका गलत माना जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेसन 9, वी ऑल नीड वाटर. स्टूडेंट्स स्टे होम स्टे सेफ बेटा, टेक केयर, और जल्दी से जल्दी अपने अपने बुक्स खरीदें. ओके स्टूडेंट्स.